बिजनौर में चांदपुर में रोडवेज बस स्टैंड के पास एंटी करप्शन की टीम ने अमीन को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। थाना सिहोरा के ग्राम इस्लामनगर में छत से गिरकर बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी मिलने पर नवांगत एसपी अभिषेक मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की बारीकी से जांच पड़ताल की। उन्नाव में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसने चेतावनी बिंदु को पार कर लिया है, जिससे तटवर्ती इलाकों के सैकड़ों मकानों के आसपास गंगा का पानी भर गया। इससे यहां के रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन तक प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर राहत सामग्री बांटी। दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर बनाने को लेकर देश के कई जगह पर विरोध हो रहे हैं। अब ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने इसे लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में सोने का घोटाला हुआ था, उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया जाता है। उन्होंने पूछा, वहां घोटाला करने के बाद अब दिल्ली में केदारनाथ का निर्माण कराया जाएगा, फिर एक घोटाला होगा। गोंडा में सरदार वल्लभ भाई पटेल सेवा संस्थान ट्रस्ट ने पटेल समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्रावस्ती से सांसद राम शिरोमणि वर्मा पहुंचे, जहां पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने 35 मेधावी छात्र छात्राओं को मूवमेंट सर्टिफिकेट व उपहार देकर सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राज्य मंत्री जनपद के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान मंत्री ने बाढ़ प्रभावितों से मिले और उनके समस्याओं को भी सुना और बाढ़ से प्रभावित हुई व्यवस्थाओं को तत्काल दुरुस्त करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। झांसी में नाबालिग छात्रा के साथ दो युवकों ने जबरदस्ती कर हवश का शिकार बनाने की कोशिश की, जिसका बच्ची ने विरोध किया तो उसे आरोपियों ने तेजाब पिला दिया, जिसके बाद लड़की बेहोश हो गई और युवक उसे छोड़कर फरार हो गए। जानकारी मिलने पर नाबालिग के परिजन बच्ची को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले गए, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं परिवार वालों का कहना है कि कई बार पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र में पालिका कार्यालय में तैनात पुलिस आरक्षी ने खुद को गोली मार ली। बता दें, परिचित महिला मित्र की ब्लैकमेलिंग और धमकियों से पुलिस आरक्षी परेशान था। कोटद्वार में दुगड्डा मार्ग बोल्डर गिरने से बंद हो गया। इस मार्ग पर 100 मीटर तक बोल्डर गिर गए हैं। ये कोटद्वार दुगड्डा मार्ग पर नया डेंजर पॉइंट बन गया है। संबंधित विभाग भी रास्ता खोलने की तैयारी में जुट गया है। विभागीय ठेकेदारों के मुताबिक ये रास्ता खोलने में लगभग 6 घंटे का समय लगेगा। हरिद्वार में मुहर्रम महीने में हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए नमाज के बाद ताजियों को जियारत के लिए सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित किया गया। शहर में कई जगहों पर सड़क किनारे और प्रमुख चौराहों पर ताजियों को अकीदतमंदों के दीदार के लिए रखा गया। सभी स्थानों पर स्थापित किए गए ताजियों पर मंजुलिस और फतीहा खवानी के बाद खिराज अकीदत पेश की गई।